बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज हम वाटर बियरिंग क्वालिटीज़ ऑफ रॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने अब तक ये जाना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स हमारे पास है, इग्नियस भी, सेडमेंट्री भी, मेटामॉर्फिक भी, जैसे ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, सैंडस्टोन है, शेल है, बेसाल्ट है, क्वार्ट्ज़ाइट है। सो डिफरेंट रॉक्स है, डिफरेंट वाटर बियरिंग क्वालिटीज़, वाटर बियरिंग प्रॉपर्टीज़। कुछ रॉक्स हैं उनमें पोरासिटी है लेकिन परमिएबिलिटी नहीं है, कुछ में पोरासिटी भी है परमिएबिलिटी भी है, कुछ में ना ही पोरासिटी है ना ही परमिएबिलिटी होती है। दैट मीन कुछ रॉक्स में जो है वाटर स्टोर हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है, लेकिन वो ट्रांसमिट ईजिली और नहीं होता है। सो अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट ऑल रॉक्स आर नीदर कैपेबल नॉर सूटेबल फॉर होल्डिंग वाटर, फॉर होल्डिंग ग्राउंड वाटर एंड देन ट्रांसमिटिंग दैट ग्राउंड वाटर टू वेल्स, डग वेल्स, बोर वेल्स एट्सेट्रा। सो अंडरस्टैंड दिस, वी शुड बी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग द फॉलोइंग टर्म। तो ये प्रॉपर्टीज रॉक्स की समझने के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजी जो है या कुछ प्रॉपर्टीज जो है इनका समझ होना चाहिए, तभी हम जो है वाटर बियरिंग क्वालिटीज़ जो रॉक्स की हैं वो समझ सकते हैं कि कौन सी रॉक फॉर्मेशन जो है एक्वीफर बना सकती है, कौन रॉक फॉर्मेशन एक्वीफर नहीं बना सकती है। तो एक्वीफर, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है एक्वीफर मीन वाटर कंटेनिंग, वाटर बियरिंग, सो एक्वीफर हम उन रॉक्स को कहेंगे या रॉक मास को कहेंगे या फॉर्मेशन या लेयर उसको कहेंगे जिसमें सैचुरेशन होती है ग्राउंड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वाटर। सो विच बाय वर्चू ऑफ इट्स फ्यू प्रॉपर्टीज, दैट इज बोथ पोरासिटी एज वेल एज परमिएबिलिटी, इट कैन एब्जॉर्ब और होल्ड वाटर एज वेल एज यील्ड दैट वाटर टू वेल्स, ओके, दैट कंटेन वाटर कैन ईजिली बी ईजिली फ्लो थ्रू रॉक फॉर्मेशन टू वेल्स वैन वेल इज पम्प्ड। फॉर एग्जाम्पल वी हैव फॉर्मेशन लूज एंड कंसॉलिडेट ग्रेवल सैंड, दैन वी हैव हॉट रॉक्स, सैंड स्टोन्स, लाइम स्टोन्स, दे आर वेरी गुड एक्वीफर्स, दैट मीन्स दे कैन स्टोर वाटर एज वेल एज ट्रांसमिट वाटर टू वेल्स वैन दे आर पम्प्ड और टैप्ड। सो इन अदर वर्ड्स एक्वीफर रेफर टू द स्टोरेज पूल्स ऑफ ग्राउंड वाटर लाइंग बिलो द ग्राउंड सरफेस। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दी हैं, ऐसे रॉक लेयर्स को चाहे हार्ड हो चाहे लूज एंड कंसॉलिडेट को, ऐसे फॉर्मेशन को, रॉक लेयर्स को, बेड्स को हम एक्वीफर कहते हैं। सो देन नंबर सेकंड इज एक्वीक्लूड। एक्वीक्लूड किसको हम कहेंगे? उन जियोलॉजिकल फॉर्मेशन को हम एक्वीक्लूड कहते हैं जिनमें जो है पोरासिटी होती है, मीन्स दोज रॉक लेयर विच आर पोरस, दैट मीन्स दे कैन होल्ड वाटर, बट द सेकंड प्रॉपर्टी इज एब्सेंट, दैट मीन्स परमिएबिलिटी, दे आर इम्परमिएबल, दे कैन नॉट, वाटर कैन नॉट फ्लो थ्रू पोर्स, सो विच मीन्स दिस रॉक्स आर इम्परमिएबल, सो वाटर कैन नॉट ईजिली फ्लोन, और दिस फॉर्मेशन डज नॉट एलो ईजी एंड क्विक फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द मॉस थ्रू इट। तो दैट मीन्स अगर हम इसमें वेल डिग करेंगे तो वो वेल जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, वी कैन नॉट गेट, वी दीज वेल्स कैन नॉट यील्ड अस गुड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। सो फॉर एग्जांपल एक्वीक्लूड कंपैक्ट क्ले या फिर उस लूज क्ले को या कंपैक्ट क्ले को जब हार्ड रॉक बनती है तो शेल बनती है, ये दोनों फॉर्मेशन जो हैं इनमें पोरोसिटी चाहे लूज हो हार्ड हो तो पोरासिटी तो होती है लेकिन परमिएबिलिटी इनमें नहीं होती है। सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ परमिएबिलिटी सच फॉर्मेशन डू नॉट फॉर्म एक्वीफर्स, उनको हम एक्वीक्लूड कहते हैं। सो द लेयर्स आर पोरस बट नॉट परमिएबल, दैट मीन्स दे आर इम्परमिएबल और इम्परवियस, सो दैट मीन्स वी कैन नॉट डिग और बोर अ वेल विद इन दीज फॉर्मेशंस। ओके, यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा एक्वीक्लूड की, ठीक है, ये आप डायग्राम देखिए, दीज आर एक्वीफर शोन हियर,
बेड रॉक इम्परमीएबल लेयर है, ओके, ये हार्ड रॉक होगी कोई, जैसे ग्रेनाइट है या और कोई, तो दिस इज़ एक्विक्लूड। लेकिन इसके ऊपर लूज अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स अगर डिपॉजिट हुए होंगे, इसमें पोरोसिटी परमीएबिलिटी, तो एक सैचुरेशन जोन बनाता है। इसके ऊपर अगेन इम्परमीएबल लेयर जिसको हम एक्विक्लूड कहते हैं, ये शेल भी हो सकता है, क्ले भी हो सकता है, ओके। इनके दरमियान जब पोरस फॉर्मेशंस डिपॉजिट होती है तो एक्वीफर बनता है जिसको हम कन्फाइनड एक्वीफर कहते हैं, जो कि आपने पढ़ा है बिटवीन टू इम्परमीएबल लेयर्स। इसके ऊपर अगेन लूज कंसोलिडेट मटेरियल विच इज़ पोरस एंड परमीएबल इनफ, ये अगेन अनकन्फाइंड एक्वीफर बनाता है, नीचे इसके इम्परमीएबल जोन होगा, इम्परमीएबल लेयर होगा, ओके। सो दिस इज़ वाटर टेबल, अपर लिमिट ऑफ जोन ऑफ सैचुरेशन, दिस इज़ अगेन एडो जोन या आर्टिस्ट जोन ऑफ एरेशन भी जिसको हम कहते हैं। सो दीज आर, यहाँ हम कह सकते हैं एक्वीफर एंड एक्वीक्लूड्स, ओके। अगर हम अनकन्फाइंड एक्वीफर में, जो क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है वाटर पे, तो अगर हम इसमें वेल डिग करते हैं तो वाटर ड्यू टू इट्स ओन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच इज़ इनफ टू लेट द वाटर राइज थ्रू द फॉर्मेशन एंड राइज अप टू द ग्राउंड सरफेस, ओके। इसको हम फ्लोइंग वेल कहते हैं। दिस इज रिचार्जिंग एरिया इन द हाई माउंटेन रीजन समवेयर, ओके। ये जो परमिएबल फॉर्मेशन है, जो कन्फाइंड एक्वीफर बनाता है, वो बिल्कुल एक्सपोज नहीं होता है, कहीं रिचार्जिंग एरिया में एक्सपोज होगा, लेकिन नीचे डिस्चार्जिंग एरियाज में वो बिल्कुल कंसील्ड रहता है, ओके। दिस इज़ फ्लोइंग वेल अगेन, क्योंकि पीजोमेट्रिक सरफेस, पीजोमेट्रिक लेवल या सरफेस वो इमेजिनरी सरफेस होती है, पीजो मीन्स प्रेशर, जहाँ तक जो है वाटर ड्यू टू इट्स हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ओके, ऊन प्रेशर राइज कर सकता है या होता है। तो क्योंकि ये डिप्रेशन में, यहाँ जो है वाटर की उस लेवल तक जो है अपराइज होता है कि वो सरफेस से ऊपर तक भी पहुँच जाता है, तो इसलिए हमने देखा है कि अभी कुबार जो वाटर जो है, जब हम वेल ड्रिल करते हैं या हैंडपम्प ड्रिल करते हैं, तो वाटर ऑटोमेटिकली खुद ही पंपिंग के बगैर ही जो है फाउंटेन की तरह फ्लो करता है। ऐसे फ्लोइंग वेल्स को हम आर्टिजन वेल्स कहते हैं, जो कि अनकन्फाइंड एक्वीफर में, जो कन्फाइंड एक्वीफर में बनते हैं, अगर हम उस एक्वीफर को टैप करें। लेकिन यही कहीं और अगर प्लेटू एरिया होगा, थोड़ा हाईलैंड होगा, अगर उसमें हम वेल ड्रिल करेंगे, लेकिन उसमें जो पीजोमेट्रिक इमेजिनरी सरफेस, जहाँ तक वाटर राइज हो सकता है, ओके, वो ग्राउंड सरफेस से ऊपर नहीं होता है, क्योंकि पीजोमेट्रिक सरफेस ग्राउंड के नीचे थोड़ी नियर सरफेशियल लेवल तक होती है, तो वहाँ उसको हम नॉन फ्लोइंग वाटर वेल कहते हैं, या नॉन फ्लोइंग आर्टिजन वेल कहते हैं। दिस इज अगेन, ये अनकन्फाइंड टैप हुआ है, तो यहाँ पर जो है वाटर जहाँ तक राइज होगा, वो वाटर टेबल जो है रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज ग्राउंड सरफेस। सो दिस इज अबाउट एक्वीक्लूड एंड एक्वीफर्स, तो यह आपने समझा होगा। तो इसके अलावा एक दो टर्म्स हम यूज़ करते हैं, जो वाटर बियरिंग फॉर्मेशंस क्वालिटी और अदर वाटर बियरिंग क्वालिटी ऑफ रॉक फॉर्मेशन से रिलेटेड हैं या रॉक से रिलेटेड हैं। एक्वीफ्यूज, एक्वीफ्यूज अगेन ये ऐसी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन लेयर होती है जो कि एब्सोल्युटली इम्परमीएबल होती है, ना ही उसमें पोरोसिटी होती है, एक्वीक्लूड में पोरोसिटी होती है लेकिन परमीएबिलिटी नहीं होती है, इम्परमीएबल होती है। लेकिन एक्वीफ्यूज जो है वो नॉन पोरस भी होता है ना, और ना या इम्परमीएबल भी होता है, दैट मीन्स एब्सोल्युटली इम्परमीएबल, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, नीदर वाटर एब्जॉर्ब्स नॉर इट इज़ ट्रांसमिटेड टू वेल्स, ओके। तो ऐसी रॉक फॉर्मेशन को हम एक्वीफ्यूज कहते हैं। एक्वीफ्यूज आर दो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन विच आर हैविंग नीदर, विच आर नॉन पोरस एज वेल एज इम्परमीएबल, दैट मीन्स दे आर एब्सोल्युटली इम्परमीएबल, सो विच indicates or hint that such formations can neither hold or absorb any amount of water or transmit later on that water to wells if well is dug into such formations. For example, crystalline rocks, igneous or metamorphic rocks, jo hai granite, igneous rock, basalt rock, ye dono aquifuge hai. Quartzite metamorphic rock hai jo ki sandstone ko banti hai, thermal metamorphism agar hoga हाई टेम्परेचर की वजह से, तो ये फॉर्मेशंस एक्वीफ्यूज होती हैं, इनमें ना ही अब्जॉर्ब होता है वाटर, ना ही ट्रांसमिट होता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ज़रूरी है ये याद रखना, ये जो एक्वीफ्यूज होते हैं, अगर इन रॉक्स में सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स की वजह, फोर्सेस की वजह से, वेदरिंग की वजह से या बाकी
फोर्सेस की वजह से इसमें क्रैक्स पड़ेंगे, फ्रैक्चर्स पड़ेंगे। तो ये एक्वीफ्यूज जो है, ये इंटरलॉकिंग ग्रेनाइट्स जो बेसाल्ट या और क्वार्ट्ज़ाइट रॉक जो होगी, इसमें जो है वाटर फिर स्टोर हो सकता है और मूव भी, परवियसनेस भी इसमें आ सकती है, मूवमेंट भी थोड़ी थोड़ी हो सकती है। तो उस वक्त फिर ये एक्वीफ्यूज नहीं रहते हैं, ओके। तो फिर वो इसको या तो एक्वीटार्ड कहते हैं कहेंगे या एक्वीफर कहेंगे, ओके। सो दैट मीन्स अगर एक्वीफ्यूज को सेकेंडरी इफेक्ट्स हुए होंगे, वेदरिंग और फ्रैक्चरिंग जॉइंटिंग वगैरह हुई होगी, तो उस या फोल्डिंग फॉल्टिंग हुई होगी, तो उसमें जो है सेकेंडरी पोरोसिटी इंड्यूस होती है, तो वो रॉक फॉर्मेशन फिर जो है एक्वीफर भी बना सकते हैं। अगर स्मॉल स्केल फ्रैक्चरिंग जॉइंटिंग हुई होगी, थोड़ी ज़्यादा इंटेंस नहीं होगी, तो इसमें लोकली जो है वाटर लीक हो सकता है या एब्जॉर्ब हो सकता है, तो उसको हम उस वक्त फिर ऐसे एक्वीक्लूड या एक्वीफ्यूज को हम एक्वीटार्ड कहते हैं। सो एक्वीटार्ड आर दोज फॉर्मेशन विच ट्रांसमिट लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, ओके। दैट मीन्स वाटर विल नॉट बी सफिशेंट इफ़ यू पंप दैट वाटर इन वेल, ओके। सो उसको हम एक्वीटार्ड कहते हैं। सो एक्वीटार्ड एक लेस कॉमन टर्म है जो कि एक्वीफ्यूज और एक्वीक्लूड दोनों के लिए इस्तेमाल कभी कभार होता है, ओके। अगर ये एक्वीक्लूड और एक्वीफ्यूज जो है लोकली लीकी बना होगा, लीकी इसलिए बना होगा क्योंकि इसमें कुछ पार्शियल परवियसनेस आई होगी, इसमें क्रैक्स फ्रैक्चर्स फिशर्स पड़े होंगे या थोड़ी सी वेदरिंग हुई होगी, तो इसमें थोड़ा वाटर जो है वो मूव कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है। इसलिए ऐसे एक्वीफ्यूज और एक्वीक्लूड को हम जो है एक्वीटार्ड कहते हैं, उसको लीकी एक्वीफर भी कहा जाता है। दैट मींस अगर हम इसमें वेल ड्रिल करेंगे, उसमें उतना वाटर जो है नहीं होता है कि वो स्टोर और फिर जो है फ्लो कर सके और हमें जो है सफिशेंट अमाउंट में वाटर मिल सके। सो ओनली जियोलॉजिकल फॉर्मेशन एंड वाटर बियरिंग प्रॉपर्टी विच फॉर्म्स सब सरफेस पूल्स, सब सरफेस रिजर्वायर्स ऑफ वाटर, जिसको हम ग्राउंड वाटर रिजर्वायर्स कहते हैं, उसको हम एक्वीफर कहते हैं। सो दिस ऑल अबाउट दिस वाटर बियरिंग क्वालिटीज ऑफ रॉक्स। सो टेक